नमस्कार दोस्तों, हम लोग एनबीएस टीजीटी साइंस 2019 का पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने 50 प्रश्नों को फुल डिटेल के साथ हल कर लिया है। अब हम अपने आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इवॉल्व करता है हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद कोल डाइल्यूट HNO3। तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की चर्चा आज करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल होती हैं अबव हाइड्रोजन वो मोस्ट रिएक्टिव होती हैं और डिस्प्लेस करती हैं हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स, और जो मेटल होती हैं बिलो हाइड्रोजन वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं, वो नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की एक ट्रिक बताते हैं। किंग कैन नॉट मेक ए जेब्रा, आई लाइक हिज कार में सिल्वरी गोल्ड। तो किंग का मतलब पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आई से आयरन, लाइक से हो जाएगा लेड, हिस का मतलब हाइड्रोजन, कॉपर हो जाएगा, एम से मरकरी, ये हो जाएगा यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे हो जाएगा गोल्ड। ये हाइड्रोजन है, इधर वाली जितनी भी मेटल है अबव हाइड्रोजन वो डिस्प्लेस करेंगी हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। अभी हमने बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं, रिएक्टिविटी जो मेटल की होती है वो डिक्रीज करती जाती है। अब आप इसमें देख रहे होंगे एल्युमिनियम ऑप्शन दे रखा है, कॉपर, कॉपर तो डिस्प्लेस नहीं करेगा क्योंकि ये हाइड्रोजन के नीचे पाया जा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग हुआ। अब इसमें तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है आयरन। तो इसमें सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इवॉल्व करेगी इजिली हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट HNO3 के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिबिट करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इजिली। अब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। जब एक लाइट जो होती है सफिशियंट स्मॉल वेवलेंथ की इंसिडेंट होती है मेटल सरफेस पे, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं मेटल से, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं मेटल से इंस्टेंटली, इसे ही कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चूंकि हम जानते हैं ग्रुप में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, एल्कली मेटल के कंडीज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ग्रुप में नीचे जाने पर इंक्रीज करता है और रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करती है, आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में नीचे जाने पर डिक्रीज करती है। अब इसमें से सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सीजियम ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लेकिन इसमें मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव सीजियम है और इसके पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जिसके पास आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन इजली, मोस्ट इजली। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सीजियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद इंक्रीज इन एटॉमिक वेट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एल्कली मेटल। ये पूछ रहा है कि एटॉमिक वेट इंक्रीज करने पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्कली मेटल क्या होगा। चूंकि हम जानते हैं जब ग्रुप में नीचे जाते हैं, जब हम ग्रुप में एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एटॉमिक वेट जो होता है एल्केली मेटल का वो इंक्रीज करता जाता है और उसका जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो डिक्रीज करता है। चूंकि हम जानते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड के, तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इंक्रीज करेगा एटॉमिक वेट, मेल्टिंग पॉइंट इसका
डिक्रीज करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। चूंकि हम जानते हैं ये जो क्वार्ट जो होता है वो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है और कंटेन करता है मेनली, क्वार्ट्ज एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, कंटेन करता है मेनली सिलिकन डाइऑक्साइड। मेजर कंपोनेंट जो सिलिकेट्स में होते हैं, सिलिकेट्स में वो SiO4-4 होते हैं, इसका शेप टेट्राहेड्रल होता है, हेड्रल होता है, जैसे ये सिलिका है इससे चार ऑक्सीजन ऐसे अटैच होते हैं, ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज होता है, ये है चारों सिलिकन से, इसके आउटर में चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन अपनी आउटर सेल को कंप्लीट कर लेता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और ये टेट्राहेड्रल होता है। अब इसमें हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, आप कभी कभी पूछा जाता है कि कितने ऑक्सीजन एटम से ऐड हो रहे हैं इसमें, तो आपका मतलब हो गया आर्थोसिलिकेट्स, इसमें नो ऑक्सीजन से ऐड, पीछे इसमें पायरोसिलिकेट्स होता है इसमें एक ऑक्सीजन से ऐड होता है, सी से मतलब चेन सिलिकेट्स या साइक्लिक सिलिकेट्स, इसमें दो ऑक्सीजन से ऐड होते हैं, थैंक यू का मतलब हो गया टू डी सिलिकेट्स या सीट सिलिकेट्स, इसमें थ्री ऑक्सीजन से ऐड होते हैं, इसके बाद हो गया 3D सिलिकेट्स या फ्रेम वर्क सिलिकेट, इसमें फोर ऑक्सीजन से ऐड होते हैं, ये फोर ऑक्सीजन से ऐड। फ्रेमवर्क सिलिकेट जो होता है वो जनरली एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होता है एक्सेप्ट क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज जो होता है इसमें एल्यूमिनियम नहीं पाया जाता है, तो क्वार्ट्ज इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रेमवर्क सिलिकेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड वॉज एनालाइज एंड फाउंड ये कंटेन करता है 32% एलेनिन और 18% ग्वानिन, 18% साइटोसिन, 32% थायमिन, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होगा? चूंकि हम जानते हैं ये जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए जो भी है वो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होता है और एक न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट ग्रुप होता है, पेंटोस सुगर होता है और नाइट्रोजन बेस होता है पेंटोस सुगर, अगर ये डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज होता है, अगर आरएनए है तो राइबोज सुगर होता है और नाइट्रोजन बेस इसमें चार होते हैं। प्यूरीन जो होता है वो चाहे डीएनए हो या आरएनए उसमें एडेनिन एंड ग्वानिन पाए जाते हैं, जबकि जो पिरामिडीन होता है उसमें डीएनए में साइटोसिन एंड थायमिन होते हैं और आरएनए में जो है साइटोसिन एंड यूरेसिल होता है, इसमें थायमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन की जगह पे आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो कम्प्लीमेंट्री होता है एक दूसरे के, तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उसमें G=C एंड A=T, तो हमें G=C और A=T की वैल्यू दी गई है, तो इससे हमें पता चलता है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सपोज दैट यू हैव सील्ड रिजिड कंटेनर जो फिल्ड है एयर से, तो स्पीड विद विच मॉलिक्यूल इन द कंटेनर मूव अराउंड डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन। चूंकि हम जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है वो 3/2 RT के बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, और जो BRMS होता है √3 RT/m, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्लोज रिजिड कंटेनर में जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके टेम्परेचर के, तो ये डायरेक्टली पूछ रहा है कि कंटेनर मूव अराउंड डायरेक्टली ऑन टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द कंटेनर, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड। हमारा अगला क्वेश्चन है,
एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। चूंकि हम जानते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में आइडेंटिकल कॉपी बनती है डीएनए मॉलिक्यूल का फ्रॉम ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से, जो डीएनए होता है वो रीड होता है डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा 3 to 5 डायरेक्शन में, लेकिन जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है वो 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। मान लो ये पेरेंट डीएनए है, पेरेंट स्ट्रैंड है, ये 3 to 5 डायरेक्शन है, ये 5 to 3 डायरेक्शन है। चूंकि अभी हमने बताया ये रीड होता है 3 to 5 डायरेक्शन में, तो न्यू स्ट्रैंड जो इसमें सिंथेसाइज होगा 5 to 3 डायरेक्शन में, ये स्ट्रैंड इसका कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होगा, इधर वाला जो होगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में होगा, ये डिसकॉन्टिन्यूस होगा, इसे लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और इधर वाला जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है। अब हम समझते हैं कि डीएनए प्राइमेज होता क्या है। डीएनए प्राइमेज क्या होता है, ये सिंथेसाइज करता है शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल को, और डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है वो रिमूव करता है आरएनए प्राइमर को एंड रिप्लेस देम विद डीएनए। चूंकि ये हमसे पूछ रहा है रिमूविंग आरएनए प्राइमर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या करता है, वो एक्सटेंड करता है प्राइमर को। और लाइगेज क्या होता है, लाइगेज जो होता है वो ज्वाइन करता है डीएनए फ्रेगमेंट को टूगेदर बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन आर इम्पॉर्टेंट कंट्रोल ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। ये पूछ रहा है विच टाइप ऑफ प्रोटीन आर इम्पॉर्टेंट इन कंट्रोल ऑफ वायरल रेप्लिकेशन। चूंकि अब हम ये बता, जो वायरस होता है वो होस्ट सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है उसके स्पेसिफिक साइट से थ्रू द रिसेप्टर, प्रोटीन उसके पास होती है ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है वो एम्बेडेड होता है वायरल एनवेलप में। तो अभी हमने आपको बताया कि जो वायरस होता है वो अटैच होता है होस्ट सेल मेम्ब्रेन से थ्रू स्पेसिफिक प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, और ये ग्लाइकोप्रोटीन एम्बेडेड होता है वायरल एनवेलप पे। कुछ ग्लाइकोप्रोटीन जैसे हीम ग्लूटिनिन होता है और न्यूरामिनिडेज होता है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस में पाया जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोल ऑफ वायरल इन्फेक्शन। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द टाइप प्रोटीन इम्पॉर्टेंट इन द कंट्रोल ऑफ वायरल इन्फेक्शन, तो ग्लाइकोप्रोटीन। अब हम समझ लेते हैं ये राइबोप्रोटीन क्या होता है। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड्स का एंड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन का। और ये जो लाइपोप्रोटीन जो होता है ये वायरल एनवेलप बनाता है और सराउंड करता है वायरस हेलिकल कोर को और बनाता है डबल लेयर्ड लिपिड की। तो ये हो गया लाइपोप्रोटीन। चूंकि हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप प्रोटीन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोल ऑफ वायरल इन्फेक्शन, तो इसमें हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाइन जब पुट करते हैं एयर में तो ये बिकम सावर ड्यू टू, खट्टा क्यों हो जाता है। चूंकि हम जानते हैं वाइन एक अल्कोहलिक ड्रिंक होती है और ये प्रिपेयर्ड होती है फर्मेंटेशन आप शुगर के द्वारा जो प्रेजेंट होता है ग्रेप में विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। मान लो ये ग्रेप में शुगर पाई जा रही है ग्लूकोज, और ईस्ट की मदद से हम इसको एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट किया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये अल्कोहल खुली हवा में रखा जाता है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा
और ये कन्वर्ट हो जाता है एथिल अल्कोहल, ऑक्सीडाइज हो जाता है एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, और ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड्स में। तो ये जो सावर हो जाता है बाइंड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल इनटू द एसिटिक एसिड्स, तो इसका ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल अल्कोहल टू एसिटिक एसिड। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिम्बायोसिस इन जनरल क्या इन्वॉल्व करता है। सिम्बायोसिस को हम एक और नाम से जानते हैं, म्यूचुअलिज्म। इसमें क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं एंड बोथ आर बेनिफिटेड। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, इसका फोर्थ ऑप्शन हम देख लेते हैं, कंडीशन व्हेन टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ आर बेनिफिटेड, उसे सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल देते हैं आपको, जहां हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे इसका मतलब है वो स्पेसीज बेनिफिटेड होगी, फिटेड होगी। अगर हम यहाँ नेगेटिव साइन लिखेंगे इसका मतलब वो स्पेसीज को हार्म होगा। अगर हम जीरो लिखते हैं तो इसका मतलब उसको ना तो हानि होगी और ना ही कोई उसको लाभ होगा। अब हम मान लो ये दो स्पेसीज हैं, दोनों में प्लस साइन है, दोनों बेनिफिटेड हो रहे हैं, तो इसे म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस कहते हैं। अगर एक स्पेसीज को फायदा हो रहा है, एक को ना फायदा ना नुकसान हो रहा है, तो उसे कॉमेंसलिज्म कहते हैं। अगर एक स्पेसीज को फायदा एक को नुकसान, तो उसे कहते हैं प्रेडेशन, और पैरासिटिज्म भी इसी में आता है। अगर दोनों स्पेसीज में दोनों को नुकसान हो रहा है तो ये कंपटीशन है। अगर एक को नुकसान हो रहा है, एक को ना नुकसान ना फायदा हो रहा है, तो उसे एमेंसलिज्म कहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने अपने 10 क्वेश्चनों को हल किया। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।